everyone, welcome to Free Study. So we will continue the series and we are doing the Insights December 2019 Current Affairs Compilation. So kuch topics humne kar liye the, three parts already videos jo hain wo upload ho chuki hain channel pe. Agar aapne nahi dekhi hain to aap playlist mein jaakar dekh sakte hain Current Affairs ki. And now we will continue. So the next news or the next current affair is that the Kannads to get priority in the private sector. Actually, this is about the new policy of Karnataka, and mains में इसका question आ सकता है कि क्या challenges हैं, क्या significance है, and what is the need of the hour. तो कर्नाटक की गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स अमेंड किए हैं रिगार्डिंग द इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट्स. वो इंडस्ट्रीज जो गवर्नमेंट से सपोर्ट लेती हैं उन्हें जॉब्स में कन्नड़स को प्रायोरिटीज देनी होंगी. किस कैटेगरी की? सी एंड डी कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयज़ की. नो फैक्ट्स इसका ये है कि अगर कोई इंडस्ट्री गवर्नमेंट से इंसेंटिव रिसीव कर रही है तो उसे 100% रिजर्वेशन देना होगा फॉर द ब्लू कॉलर जॉब्स. एंड अगर कोई बेनिफिट्स अवेल नहीं कर रही है तो भी उसे कन्नड़स को प्रायोरिटी देनी चाहिए. जो रिवाइज्ड रूल्स हैं वो ये भी स्टेट को एम्पावर करते हैं कि प्राइवेट कंपनीज भी इस रूल को फॉलो करें. एंड अगर वो ये रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, देन स्टेट कैन इंटरवीन ऑल्सो. नाउ एज देर इज़ अ कॉम्पिटिशन फ्रॉम आउटसाइडर्स, लास्ट फ्यू ईयर्स में देखा गया है कि जो बैंगलोर है उसके अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इन्फ्लक्स हुआ है फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स ऑफ द इंडिया. एंड जिसकी वजह से जो लोकल और जो माइग्रेंट बैलेंस है वो अपसेट हुआ है, डिस्टर्ब हुआ है. एंड देर इज़ अ इट मीन्स ये सोशल फ्रिक्शन का भी कॉज बन गया है. एंड इतनी जॉब्स तो क्रिएट हो नहीं पाई हैं वहाँ पर. सो इशूज़, अब ये जो पॉलिसी बनाई जा रही है इस पॉलिसी के क्या इशूज़ हैं? प्राइवेट सेक्टर को जो फोर्सिबली कहा जा रहा है कि आपको भी कन्नड़स को जॉब देनी होगी इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैरिट एंड क्वालिफिकेशन, तो ये थोड़ा सा गलत है. दूसरा जो मूव है वो कन्नड़ पॉपुलेशन को तो बेनिफिट करेगा, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है अगेन उसके लिए सेटबैक है क्योंकि वो बेस्ट कैंडिडेट्स को चूज़ नहीं कर पाएंगे. सो दिस कुड मीन ग्रेटर इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ लेबर, मीन्स जिससे ग्रेटर इनसिक्योरिटी रहेगी उन्हीं वर्कर्स के लिए. बिकॉज अगेन यू सी, जहाँ पर देखिए मैरिट जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा ही, क्योंकि वाइट कॉलर जॉब्स के लिए तो मैरिट इम्पॉर्टेंट हो जाएगी, ब्लू कॉलर जॉब्स के लिए मैरिट इम्पॉर्टेंट नहीं है. सो एंड रिजल्ट ये है कि इंडस्ट्री का जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा लूज होता हुआ नज़र आ रहा है. एंड बिजनेस मूविंग एल्सवेयर वुड ऑफकोर्स बी अ डिक्लाइन इन द इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ द कन्नड़ ब्लू कॉलर वर्कर्स एज दिस पॉलिसी सपोज टू प्रोटेक्ट. तो ये आपका इशू था. नेक्स्ट पे आते हैं, दैट इज़ पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम. पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम जो है वो उसके हम फीचर्स पढ़ेंगे, कवरेज पढ़ेंगे, सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे एंड कॉन्टेक्स्ट में इसका कैबिनेट नोट क्या है वो भी पढ़ेंगे. तो सबसे पहले देखिए, जो हमारे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं एंड जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, इनके जो हाई रेटेड एसेट्स हैं उनको परचेज करेगा कौन? पब्लिक सेक्टर बैंक्स, क्लियर. एंड बी एफ सीज, दैट इज़ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, इनके जो हाई रेटेड पूल एसेट्स हैं, मींस ऑब्वियसली दे शुड बी फाइनेंशियली साउंड, एंड इनके जो हाई रेटेड पूल एसेट्स हैं इन्हें परचेज करेगा कौन? पब्लिक सेक्टर बैंक्स. इसमें NBFCs एंड HFCs जो हैं वो तो कवर किए ही जाएंगे. एंड इट दिट माइट हैव स्लिप्ड इनटू अ SMAO कैटेगरी, तो इसको आप लर्न कर लें एज इट इज़ SMAO कैटेगरी ड्यूरिंग द वन ईयर पीरियड प्रायर टू अगस्त 1, 2018. 1 अगस्त 2018 से जो एक साल पहले के जो SMA0 कैटेगरी के एसेट्स थे वो इंक्लूड किए जाएंगे एंड वो एसेट्स BBB+ रेटेड होने चाहिए. नाउ जो विंडो है वो गवर्नमेंट ने कहा है कि ये जो विंडो है एसेट्स को खरीदने की बाय द पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ये खुली रहेगी या तो June 30, 2020 पहले आ जाए या फिर 1,00,000 करोड़ के एसेट्स गवर्नमेंट पहले खरीद ले, तो जो भी पहले काम होगा तब तक ये कंटिन्यू रहेगी. फाइनेंस मिनिस्टर के पास पावर भी है कि वो चाहें तो इसकी स्कीम की वैलिडिटी 3 महीने तक और बढ़ा भी सकते हैं.
नाउ सिग्निफिकेंस ये है कि जो गवर्नमेंट है द प्रपोज्ड गवर्नमेंट गारंटी सपोर्ट एंड रिजल्टेंट पूल बायआउट्स विल हेल्प एड्रेस, क्योंकि अगर ये एसेट्स खरीदे जाएंगे तो इससे एनबीएफसीज या जो एचएफसीज हैं उनकी जो टेम्पररी लिक्विडिटी है या जो कैश फ्लो मिसमैच इशूज़ हैं वो सॉर्ट आउट हो सकेंगे एंड दे कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू द क्रेडिट क्रिएशन. एंड ऑब्वियसली क्रेडिट क्रिएशन होगा तभी इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी. नेक्स्ट पे आ जाते हैं, दैट इज़ अटल भूजल योजना. अटल भूजल योजना के हम ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे, फंडिंग पढ़ेंगे, उसका इम्प्लीमेंटेशन पढ़ेंगे, देन पढ़ेंगे मेंस के लिए कि उसके एफर्ट्स कौन कौन से लगाए हैं सरकार ने, कंसर्न्स चैलेंजेस एंड रीजंस क्या हैं. तो अटल भूजल योजना जो है वो 6,000 करोड़ की योजना है, वर्ल्ड बैंक ने इसे अप्रूव किया है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम माना गया है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का. जो पैटर्न है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक का वो है 50:50, मतलब आधा पैसा इंडिया सरकार देगी आधा पैसा वर्ल्ड बैंक देगा. एम यही है भू जल, तो पानी के मैनेजमेंट को, ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट को इम्प्रूव करना, कौन से एरियाज में, प्रायोरिटी एरियाज में, थ्रू कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, कम्युनिटी भी पार्टिसिपेट करे. नाउ प्रायोरिटीज एरियाज कौन से होते हैं, प्रायोरिटी एरियाज वो हैं जो आइडेंटिफाई किए गए हैं. कुछ स्टेट्स हैं गुजरात की, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश. ये जो स्टेट्स होंगी मीन्स 25% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ओवर एक्सप्लॉयटेड क्रिटिकल एंड सेमी क्रिटिकल ब्लॉक्स इन टर्म्स ऑफ ग्राउंड वाटर इन इंडिया. तो जहाँ पे उनका 25% टोटल नंबर ऑफ ओवर एक्सप्लॉयटेड हो, क्रिटिकल हो या सेमी क्रिटिकल ब्लॉक्स हो इन टर्म्स ऑफ ग्राउंड वाटर इन इंडिया. तो इसको एज इट इज़ ध्यान रख लें. स्टेट्स के नाम्स ऑप्शन में आ सकते हैं, परसेंट पूछा जा सकता है. ऑल्सो इट कवर्स टू मेजर टाइप ऑफ ग्राउंड वाटर सिस्टम, एक तो एलुवियल और एक हार्ड रॉक एक्विफर्स. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा, दिस इज़ फॉर ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट. नाउ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्कीम क्या है, इस स्कीम के अंडर जो भी फंड्स होंगे वो उन स्टेट्स को प्रोवाइड किए जाएंगे. ठीक है, ताकि जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो मजबूत हो सकें एंड जो ग्राउंड वाटर गवर्नेंस है वो अच्छे से चल सके, कम्युनिटी अच्छे से इन्वॉल्व हो सके. अभी मैंने आपको बताया कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके काम किया जाएगा, ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट को इम्प्रूव करना है एंड सो दैट द कंजर्वेशन कैन बी डन एंड वाटर कैन बी एफिशिएंटली यूज्ड. जो स्कीम है वो means also it will facilitate convergence of ongoing water schemes in the states by incentivizing their focused implementation in the identified priorities areas. And areas क्या हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं. Now mains के अंदर अगर prelims clear होता है तो mains में आप और क्या लिख सकते हैं, expected outcomes. ये जो scheme है अगर implement होती है तो positive outcomes आएंगे, better understanding होगी ग्राउंड वाटर की, focused and integrated community approached बनेगी हमारी ताकि ग्राउंड वाटर depletion के issues को address कर सकें, सस्टेनेबल ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट होगी. ऑल राइट, एंड एफिशियंट वाटर यूज़ प्रैक्टिसेस फोकस्ड की जा सकती हैं. अब इसके साथ साथ आप स्टेटस ऑफ ग्राउंड वाटर भी देख लीजिए इन इंडिया. जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी है CGWA, ये एक रेगुलेटिंग ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट है इन द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड डायनामिक ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज ऑफ कंट्री के अकॉर्डिंग जो कि CGWB ने एंड स्टेट ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट्स ने की थी. आउट ऑफ द टोटल 6584 नंबर्स ऑफ असेसमेंट यूनिट्स, असेसमेंट यूनिट्स के अंदर ब्लॉक्स हैं, तालुक्स हैं, मंडल्स हैं, वाटरशेड हैं एंड फिरका हैं. 6584 में से जो 1034 हैं वो ओवर एक्सप्लॉयटेड माने गए हैं क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है एंड और अदर फैक्टर्स के कारण. नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ड्रग प्राइजेस कंट्रोल ऑर्डर. तो देखिए इसमें हम पढ़ेंगे NPPA क्या है, DPCO क्या है, शेड्यूल ड्रग्स क्या होते हैं. देन मेंस के लिए हम पढ़ेंगे कि DPCO का रेलिवेंस क्या है, व्हाट आर द इश्यूज इन्वॉल्व्ड एंड ज़रूरत क्यों है ड्रग प्राइस मॉनिटरिंग की. तो देखिए जो आपका NPPA है दैट इज़ नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइजिंग अथॉरिटी, इन्होंने कहा है कि इनक्रीज करना है मैक्सिमम रिटेल प्राइजेस ऑफ 21 ड्रग्स बाय एज मच 50%. मतलब जो रिटेल प्राइजेस हैं, होलसेल प्राइजेस होते हैं, रिटेल प्राइजेस होते हैं, तो जो रिटेल प्राइजेस हैं 21 ड्रग्स के वो 50% तक बढ़ाने हैं. नाउ इम्पॉर्टेंट क्यों है, सिग्निफिकेंस क्या है इसका, ये डिसीजन इसलिए लिया गया है क्योंकि जो लाइफ सेविंग इसेंशियल ड्रग्स होते हैं
वो अवेलेबल होने चाहिए जनरल पब्लिक को सभी समय पे। मींस ऐसा ना हो कि मार्केट में ड्रग्स अवेलेबल ही नहीं है और लोगों को कॉस्टली ऑल्टरनेटिव्स खरीदने पड़े। तो ये पहली बार हुआ है जब NPPA ने क्या किए हैं, प्राइजेस को स्लैश किया है ताकि इसेंशियल एंड लाइफ सेविंग मेडिसिंस जो हैं वो मिल सकें। तो जो प्राइजेस बढ़ाए गए हैं वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ही बढ़ाए गए हैं। नाउ DPCO क्या है, दैट इज़ ड्रग प्राइजेस कंट्रोल ऑर्डर क्या है। ड्रग प्राइजेस कंट्रोल एक ऑर्डर है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू किया है अंडर सेक्शन 3 ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955, ताकि ड्रग्स के प्राइजेस को रेगुलेट किया जा सके। जो ऑर्डर है ये प्रोवाइड करता है वो लिस्ट ऑफ प्राइस कंट्रोल ड्रग्स एंड क्या प्रोसीजर रहेगा इन ड्रग्स के प्राइस फिक्स करने का, एंड मेथड क्या रहेगा, किस तरीके से वो प्राइस फिक्स करेंगे, क्या पेनल्टीज़ होंगी अगर प्रोविजंस को कॉन्ट्रावीन किया तो क्या पेनल्टीज़ होंगी, एंड इस पर्पज़ के लिए जो पावर्स ऑफ गवर्नमेंट हैं वो किस में है, NPPA में है। तो NPPA ही, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ही काम करेगी। NPPA के बारे में बताने से पहले ये बता देते हैं, क्या सभी ड्रग्स प्राइस कंट्रोल के अंडर होते हैं, तो नो। जो नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिंस है 2011, वो प्राइमरी बेसिस है डिटरमाइन करने के लिए, इसेंशियलिटी डिटरमाइन करने के लिए कि कौन सी मेडिसिंस होंगी जिनके ऊपर प्राइस कंट्रोल किया जाएगा। DPCO 2013 600 से भी ज़्यादा ड्रग फॉर्मुलेशंस को रखती है जो कि 27 थेरापिटिक ग्रुप्स के अंदर स्प्रेड हैं। हाउएवर जो प्राइजेज हैं उनको कंट्रोल किया जाता है अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट में हो तो। नाउ NPPA की हमने बात की, तो NPPA जिसके थ्रू सरकार काम कर रही है, दैट इज़ नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइजिंग अथॉरिटी, ये 29 अगस्त 1997 को बनी थी एज एन इंडिपेंडेंट बॉडी ऑफ एक्सपर्ट्स। एंड इसका जो डिसीजन था वो 1994 की कैबिनेट कमेटी ने लिया था जब वो ड्रग पॉलिसी को रिव्यू कर रहे थे। इसके काम ये हैं कि प्राइजेस को रिवाइज करना, फिक्स करना फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को, एंड जो ड्रग्स के जो प्रोविजंस हैं उनको इन्फोर्स करना, मॉनिटर करना प्राइजेस को ऑफ कंट्रोल एंड डी कंट्रोल ड्रग्स इन द कंट्री। ओके, सो नेक्स्ट इज प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट। तो अगर पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट को डैमेज होता है तो उसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट क्या है, क्या कंसर्न्स हैं ओवर द डैमेजेस टू पब्लिक प्रॉपर्टीज़, लॉ को रिव्यू करने की ज़रूरत क्यों आ पड़ी है, एंड द रेलिवेंट गाइडलाइंस। सो वी आर गोइंग टू रीड ईच एंड एवरीथिंग। तो देखिए, डिस्पाइट अ लॉ अगेंस्ट द डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, इंसिडेंट्स ऑफ राइटिंग, वैंडलिज्म एंड आर्सन हैव बीन कॉमन ड्यूरिंग प्रोटेस्ट अक्रॉस द कंट्री। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी, आप सभी को पता होगा, जैसे ही मान लीजिए लोगों के बीच में फॉर एग्जांपल लड़ाई होती है, बहस होती है, तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ते हैं, बसों में आग लगा देते हैं। तो लॉ है कि प्रॉपर्टी को डिस्ट्रक्ट नहीं करना है जब भी राइट्स होते हैं या जो वॉयलेंस होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मींस बहुत दुख जाहिर किया है एक तरीके से कि पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाना इज़ नॉट गुड, तो प्रिवेंशन करना होगा। तो पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984 क्या कहता है, ये कहता है कि पनिशमेंट दो उस बंदे को, उस पर्सन को, अगर वो पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता है, जिसमें 5 साल की जेल है और फाइन भी है, या फिर दोनों भी मिल सकते हैं। इसके जो प्रोविजंस हैं वो इंडियन पीनल कोड के साथ भी कपल किए गए हैं। पब्लिक प्रॉपर्टी मीन्स कोई भी ऐसी बिल्डिंग, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जिसका प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लाई, वाटर, लाइट, पावर, एनर्जी, ऑयल इंस्टॉलेशन, सिवेज वर्क्स, कोई भी माइन, फैक्ट्री, कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, टेली कम्युनिकेशन, बिल्डिंग इंस्टॉलेशन, या कोई भी प्रॉपर्टी विच इज़ हेल्ड फॉर द कॉमन पब्लिक, दैट इज़ कॉल्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। मीन्स में आप और क्या लिख सकते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट है उसने पहले भी ओकेजन्स पर ये पाया था कि जो लॉ है वो ये इनएडिक्वेट है एंड ये गैप्स को है फुलफिल नहीं कर पा रहा है। 2007 में कोर्ट ने एक सीओ मोटो कॉग्निजेंस भी दिया कि कुछ इंस्टेंसेस हैं जब लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन होती है पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ की, बंद के नाम पे, हड़ताल के नाम पर, एजिटेशन के नाम पे, तो उन्होंने दो कमिटीज़ बनाई थी, ठीक है। एक थी जो एपेक्स कोर्ट जज जस्टिस थे केटी थॉमस, एंड एक सीनियर एडवोकेट थे फली नरीमान। उनको कहा था कि आप कुछ लॉ के अंदर चेंजेस लेकर आइए। फिर 2009 का केस हुआ जिसके अंदर से दोबारा से डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टीज हुई अगेंस्ट स्टेट ऑफ AP एंड ORS। सो सुप्रीम कोर्ट ने इशू की तब भी गाइडलाइंस इन टू एक्सपर्ट कमिटीज़ की रिकमेंडेशंस के बेसिस पे। तो क्या रिकमेंडेशंस दी थी, एंड थॉमस कमिटी रिकमेंडेशंस के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था
कि रिवर्स द बर्डन ऑफ प्रूफ अगेंस्ट प्रोटेस्टर्स, जो प्रोटेस्ट में जो प्रूफ वाली बात कही जाती है इसको थोड़ा कम करना होगा। प्रोसिक्यूशन शुड बी रिक्वायर्ड ताकि जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको डैमेज ना किया जा सके डायरेक्ट एक्शन में, एंड फ्रॉम दैट स्टेज द बर्डन कैन बी शिफ्टेड टू द एक्यूज टू प्रूव हिज इनोसेंस। जो लॉ है उसको अमेंड करना पड़ेगा ताकि कोर्ट जो है उसको पावर मिल सके कि वो एक प्रेजम्पशन ड्रॉ कर सके ताकि एक्यूज जो है अगर वो गिल्टी है सो इट वुड देन बी ओपन टू द एक्यूज टू रिबट सच प्रेजम्पशन। तो आई नो थोड़ी इसकी जो लैंग्वेज है वो इतनी ईजी नहीं है, बट आप मीन्स के अंदर इसको ज़रूर एड ऑन कर सकते हैं, इट विल गिव अ वेरी गुड इम्प्रेशन। नाउ नरीमन कमिटी की क्या रिकमेंडेशंस थी कि जो राइटर्स होते हैं मीन्स जो दंगे करते हैं वो डैमेज के लिए कंपनसेशन के लिए उन्हें लायबल होना चाहिए। जब भी कोई पर्सन जॉइंटली या फिर कैसे भी प्रोटेस्ट करता है और अगर वो वॉयलेंट में बदल जाता है, प्राइवेट एंड पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करता है, तो जो भी पर्सन ये डैमेज कर रहा है या वो प्रोटेस्ट का पार्ट भी है तो उसको डैमेज के लिए भी स्ट्रिक्टली लायबल होना चाहिए, चाहे फिर वो कोर्ट देखे एंड उसके खिलाफ प्रोसीजर्स भी चलाने चाहिए। हाई कोर्ट ने भी स्योमोटो एक्शन का ऑर्डर इशू किया एंड एक मशीनरी सेटअप की ताकि जो भी डैमेज इशू होते हैं उसको इन्वेस्टिगेट किया जा सके एंड कॉम्पनसेशन अवार्ड किया जा सके। नाउ इम्पैक्ट ऑफ द गाइडलाइंस, लॉ की तरह ही ये जो गाइडलाइंस थी इनका भी लिमिटेड इम्पैक्ट रहा क्योंकि जो प्रोटेस्टर्स हैं उनका आइडेंटिफिकेशन बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है जब दंगे होते हैं, तो स्पेशली इन केसेस जब कोई लीडर ना हो, ठीक है, तो जब लोग हों काफ़ी सारे तो पता लगाना मुश्किल होता है कि किसने नुकसान किया है। तो एक केस हुआ था कोशी जेकॉब वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें कोर्ट ने रीइटरेट किया था कि जो लॉ है उसको अपडेट करने की ज़रूरत है, लेकिन अगेन इट डिड नॉट ग्रांट द पिटिशनर एनी कंपनसेशन सिंस द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ द प्रोटेस्ट वर नॉट बिफोर द कोर्ट। नेक्स्ट पढ़ेंगे दैट इज़ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना थर्ड। सो फेज थर्ड जो है वो शुरू हो गया है, लॉन्च हो गया है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का। एंड प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 1,25,000 किलोमीटर रोड को स्टेट्स में बनाने की बात कही गई है। साथ में रोड्स के थ्रू या रूरल लिंक्स के थ्रू ग्रामीण एग्रीकल्चरल मार्केट्स को भी मिलाया जाएगा, हायर सेकेंडरी स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स को भी। जो फंड होगा वो सेंटर और स्टेट के बीच में 60:40 और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में एंड हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड में। तो ये दो नियम ध्यान रखिएगा कि हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड को भी इसमें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ मिक्स किया गया है, दैट इज़ 90:10। यही रहता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का क्योंकि वो थोड़े से नॉट सो गुड। सो बैकग्राउंड क्या है, टोटल 5,99,090 किलोमीटर रोड लेंथ को कंस्ट्रक्ट किया जाना था टिल अप्रैल 2019 को, जो कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फर्स्ट सेकेंड के अंदर इंक्लूड थी एंड RCPLWEA स्कीम के अंदर। तो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फर्स्ट क्या है एंड RCPLWEA क्या है। तो प्रधानमंत्री सड़क ग्राम योजना जो है वो सबसे पहले लॉन्च हुई थी 2000 में, दिसंबर 2000 में, ताकि रोड कनेक्टिविटी मिल सके एंड उन पॉपुलेशन एरियाज़ में जहाँ पे 500+ हो इन प्लेन एरियाज़ एंड 250+ हो नॉर्थ ईस्ट हिल ट्राइबल डेजर्ट एरियाज़ एज़ पर सेंसस 2001, ताकि उन एरियाज़ का सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। देन आपका आता है RCPLWEA, दैट इज रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट फॉर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एरिया। ये 2016 में लॉन्च किया गया जहाँ पे एक सेपरेट वर्टिकल PMGSY के अंदर देखा गया ताकि वेदर रोड कनेक्टिविटी भी दी जा सके, जो नेसेसरी कलवर्ट्स हैं या जो क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर्स हैं खास करके 44 डिस्ट्रिक्ट्स में, जिसमें से 35 तो बिल्कुल वर्स्ट हैं और 9 जो हैं वो एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अंडर द स्कीम 5,066 किलोमीटर रोड लेंथ हैज़ बीन सेंक्शनड। नेक्स्ट पे आते हैं दैट इज़ स्वदेश दर्शन स्कीम। स्वदेश दर्शन स्कीम तो अपने देश का दर्शन करना, सो दिस इज़ ऑल अबाउट। कैबिनेट ने फंड्स के लिए अप्रूवल दे दिया है, अप्रूव्स कर दिए हैं फॉर द 10 प्रोजेक्ट्स अंडर द स्वदेश दर्शन स्कीम जो कि सैंक्शन हुए थे 2018-19 में। तो स्वदेश दर्शन मीन अपने देश का दर्शन करना, टूरिज्म मिनिस्ट्री ने इस स्कीम को लॉन्च किया था 2015 में ताकि जो थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट्स हैं कंट्री के अंदर वो डेवलप हो सकें
एंड ये जो डेवलप होंगे, ये जो टूरिस्ट सर्किट्स हैं, ये डेवलप किए जाएंगे इन प्रिंसिपल्स पे, ताकि हाई टूरिस्ट वैल्यू, कॉम्पिटिटिवनेस एंड सस्टेनेबिलिटी मिल सके। इस स्कीम के अंदर 15 सर्किट्स को आइडेंटिफाई किया गया है। नेम ध्यान से सुन लीजिए, हिमालयन सर्किट, नॉर्थ ईस्ट, कृष्णा, बुद्धिस्ट, कोस्टल, डेजर्ट, ट्राइबल, इको, वाइल्ड लाइफ, रूरल, स्पिरिचुअल, रामायण, हेरिटेज, तीर्थंकर एंड सूफी। ठीक है, फीचर्स क्या है स्वदेश दर्शन स्कीम के? 100% सेंट्रली फंडेड है, इसमें कोई 60:40, 90:10 नहीं है। एंड फंडिंग अवेलेबल कराने के लिए जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये इनिशिएटिव होगा कॉरपोरेट सेक्टर का एंड साथ में सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का भी। इंडिविजुअल प्रोजेक्ट का जो फंडिंग होगा वो स्टेट टू स्टेट वेरीफाई करेगा एंड पीएमसी के अकॉर्डिंग उसको फाइनलाइज कर लिया जाएगा। जो पीएमसी है, दैट इज़ प्रोग्राम मैनेजमेंट कंसल्टेंट, वो एक नेशनल लेवल के कंसल्टेंट होंगे जिन्हें अपॉइंट करेंगे मिशन डायरेक्टोरेट। एक नेशनल स्टेयरिंग कमेटी भी बनाई जाएगी विद द मिनिस्ट्री इन चार्ज ऑफ एमओ टूरिज्म एज चेयरमैन, ताकि वो मिशन के ऑब्जेक्टिव्स एंड विजन को स्टेयर कर सके। मिशन डायरेक्टोरेट जो होंगे उनको हेड करेंगे मिशन मेंबर सेक्रेटरी, हेडेड बाय मेंबर सेक्रेटरी एनएससी, जो कि एक नोडल ऑफिसर होते हैं, जो हेल्प करेंगे इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स इन कंसल्टेशन विद द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड अदर स्टेक होल्डर्स। नेक्स्ट पे आते हैं, दैट इज अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना, अभी हमने एक और भूजल योजना पढ़ी थी, मैं एक बार जल्दी से आपको दोबारा वो दिखाती हूँ। आई थिंक हाँ, अटल भूजल योजना, ओके, तो ये हमने पढ़ ली है। आई डोंट नो व्हाई इट इज गिवन अगेन, ये दोबारा क्यों दी गई है, सो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो अटल भूजल योजना, कुछ न्यू पॉइंट्स होंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर 2019 को क्रिसमस डे पर एक स्कीम लॉन्च की है, ताकि ग्राउंड वाटर को कंजर्व किया जा सके विद लो वाटर टेबल्स। एंड अगेन ये 6000 करोड़ की जो योजना है, जिसके अंदर वर्ल्ड बैंक अप्रूव करेगा सेंट्रल सेक्टर स्कीम को। 50:50 पैटर्न रहेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंड वर्ल्ड बैंक का आई थिंक सेम है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होगा इसके अंदर, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होगा, डाटा को मॉनिटर डिसेमिनेशन का काम किया जाएगा, वाटर बजटिंग का काम किया जाएगा, पंचायत लेवल प्लान्स होंगे, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़। प्रायोरिटीज़ एरियाज़ हमने पहले ही देख लिए थे, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। ओवर एक्सप्लॉयटेड एरियाज़ के 25%। टू टाइप्स ऑफ ग्राउंड वाटर सिस्टम इंडिया के अंदर होते हैं, एलुवियल एंड हार्ड रॉक एक्वीफर, सो रिपीटेड है। देन देखिए, इलीगल कल्टिवेशन ऑफ बीटी ब्रिंजल, येस दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक। हरियाणा के अंदर इलीगल कल्टिवेशन हो रहा है किसका? बीटी ब्रिंजल का। ये कन्फर्म हो गया है, बीटी ब्रिंजल इंडिया के अंदर 2010 से ही बैंड है। तो देखिए, जो आपका GEAC है, उसने क्या किया, वो फार्म्स में गए, उन्होंने टेस्ट कंडक्ट किया, सोर्स देखा सीड्स का क्या है, डिस्ट्रॉय किया उन क्रॉप्स को, लॉसेस जो थे वो कॉम्पनसेट किए फार्मर से लिए, पैनलाइज किया जिन लोगों ने, जिन कंपनीज ने इनको डिस्ट्रीब्यूट किया, एंड ये भी मैकेनिज्म उठाया है कि ऐसे इंसिडेंट्स फ्यूचर में ना हो। GM क्रॉप क्या होती है? GM क्रॉप एक ट्रांसजेनिक क्रॉप होती है एंड इज़ अ प्लांट दैट हैज़ अ नोवल कॉम्बिनेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल ऑब्टेन्ड थ्रू यूज ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। मीन्स जिसका जो जीन है वो आर्टिफिशियली इंसर्ट किया गया है इंस्टेड ऑफ प्लांट एक्वायरिंग इट थ्रू पॉलिनेशन। तो जो रिजल्टेंट प्लांट बनता है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड होता है, ऑल दो जो रियलिटी में जो क्रॉप्स होती हैं वो जेनेटिकली मॉडिफाइड होती हैं फ्रॉम देयर ओरिजिनल वाइल्ड स्टेट बाय डोमेस्टिकेशन, सिलेक्शन एंड कंट्रोल्ड ब्रीडिंग ओवर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। बीटी ब्रिंजल ऐसा ही एक ट्रांसजेनिक ब्रिंजल है, जिसके अंदर इंसर्ट करके जीन CRY-IAC को सॉइल बैक्टीरियम से, दैट इज बैसिलस थुरिजीनियस से, ब्रिंजल के अंदर डाला जाता है। दिस इज सेट टू गिव द ब्रिंजल प्लांट रेजिस्टेंस अगेंस्ट, जिसकी वजह से जो ब्रिंजल का जो प्लांट है उसको लैपडोप्टेरन इंसेक्ट्स लाइक द ब्रिंजल फ्रूट और द शॉर्ट बोरर, तो इसके नेम है ल्यूसिनोडस एरोबोनालिस एंड द फ्रूट बोरर हेलिकोवर्पा आर्मीगेरा। तो ये आप एक दो बार दोबारा पढ़ेंगे, क्या हमें GM क्रॉप्स की ज़रूरत है,
यस तो क्यों? यस इसलिए क्योंकि उससे क्रॉप यील्ड्स बढ़ती हैं, फार्म कॉस्ट्स कम होती हैं, फार्म का प्रॉफिट बढ़ता है, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट में इम्प्रूवमेंट होती है। अगर नो तो क्यों? क्योंकि क्लैरिटी की ज़रूरत है। जीएम टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए हम काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेन हैं। देखिए कम्युनिटी में काफ़ी लोग हैं जो रिस्क से ज़्यादा बेनिफिट्स को देखते हैं। अदर पॉइंट्स टू द इरिवर्सिबिलिटी ऑफ देयर टेक्नोलॉजी एंड अनकंट्रोलेबिलिटी ऑफ द जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म। तो थ्रेट है डोमेस्टिक क्रॉप्स को, क्लियर व्यू है कि जो जीएम क्रॉप्स हैं वो इंट्रोड्यूस नहीं की जाती हैं इन सेंटर्स ऑफ ऑरिजिन एंड डाइवर्सिटी। एंड इंडिया के अंदर मेगा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, ईस्टर्न हिमालयाज हो गए, वेस्टर्न घाट्स हो गए, जो कि बायोडाइवर्सिटी में काफ़ी रिच है। तो पोटेंशियल है पोस्ट पेस्ट के लिए भी, सो दैट टॉक्सिन्स ना प्रोड्यूस हो पाए इन जीएम क्रॉप्स के लिए। ठीक है, सो ये डाउन टू अर्थ मैगजीन से था। नेक्स्ट हम कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे क्योंकि हमने 10 पेजेस करने हैं, तो हम थोड़ा आगे कंटिन्यू करते हैं। कुछ डेवलपमेंट प्रोसेसेस एंड कुछ डेवलपमेंट इंडस्ट्री रोल पढ़ेंगे, एनजीओस का, एसएचजीस का, कुछ ग्रुप्स का, कुछ एसोसिएशंस का, कुछ डोनर्स, कुछ चैरिटीज़, कुछ इंस्टीट्यूशनल एंड कुछ स्टेक होल्डर्स। ईट राइट मूवमेंट कम्पेन, तो क्या है ये ईट राइट मूवमेंट कम्पेन? सही खाओ, इसका कम्पेन चलाया है वेस्टर्न रेलवे मुंबई सेंट्रल टर्मिनस ने। इंडिया का पहला ईट राइट स्टेशन बन गया है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस स्टेशन को 4 स्टार्स दिए हैं। फूड सेफ्टी, हाइजीन, अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्दी डाइट, फूड हैंडलिंग एट प्रिपरेशन एंड फूड वेस्ट मैनेजमेंट के बेसिस पे इसको ग्रेडिंग दी गई है। फूड को सर्टिफाई किया गया है, रेट किया गया है थ्रू अ थोरो इंस्पेक्शन। ईट राइट स्टेशन ईट राइट इंडिया का ही पार्ट है, जो कि लॉन्च किया था FSSAI ने 2018 में, ताकि पैसेंजर्स को एक हेल्दी चॉइस ऑफ फूड मिल सके। ईट राइट मूवमेंट FSSAI ने लॉन्च किया था, दैट इज़ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, जिसमें कहा गया था कि सॉल्ट एंड शुगर को कट डाउन करो एंड जो ऑयल कंजम्पशन है उसे भी कम करो बाय 30% इन द 3 ईयर्स। इसके थ्रू सिटीजन्स को एंगेज एंड इनेबल की करने की बात की जा रही है, ताकि उनकी हेल्थ इंप्रूव हो सके, वेलबींग इंप्रूव हो सके एंड उनको राइट फूड मिल सके। नाउ FSSAI ने हैज़ पुट इन प्लेस रॉबस्ट रेगुलेटरी मेजर्स अंडर 3 मेजर पिलर्स, कि सही, सेफ खाओ, हेल्थी खाओ एंड सस्टेनेबली खाओ। सो देर इज़ अ लिमिट ऑफ द टोटल पोलर कंपाउंड्स, की जो टोटल पोलर कंपाउंड्स है वो 25% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए कुकिंग ऑयल में, ताकि हार्मफुल इफेक्ट्स ना हो सके, बिकॉज यू नो कुकिंग ऑयल को बार बार यूज़ किया जाता है। सो इस कंपेन का सिग्निफिकेंस ये है कि कंट्री को ज़रूरत है एक ऐसे मूवमेंट के लिए, ताकि लोगों की हेल्थ के लिए कुछ कदम उठाए जा सके। नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज जो होती हैं लाइक डायबिटीज, हाइपर टेंशन, हार्ट डिसीजेज, विटामिन मिनरल्स एंड रैम्पेंट फूड बॉर्न इलनेसेस, तो इन सबको थोड़ा रोका जा सके। तो ईट राइट इंडिया मूवमेंट एक क्रूशियल प्रिवेंटिव हेल्थ केयर मेजर है, ताकि सोशल एंड बिहेवियरल चेंज लाया जा सके। थ्रू हाउ? थ्रू अ जुडिशियस यूज ऑफ रेगुलेटरी मेजर्स, जिसको रेगुलेटरी मेजर्स को कुछ सॉफ्ट इंटरवेंशन के साथ भी कंबाइन किया गया है, ताकि इंश्योर हो सके किस बारे में, अवेयरनेस के बारे में, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ फूड बिजनेसेस एंड सिटीजन्स अलाइक। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, दैट इज़ व्हाट इज़ ईट राइट मेला। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने 2nd एडिशन ईट राइट मेला का लॉन्च किया है न्यू दिल्ली के अंदर। ईट राइट मूवमेंट के अकॉर्डिंग ही ईट राइट मेला भी वॉज कंसीव टू एंगेज, एक्साइट एंड इनेबल सिटीजन्स, ताकि वो राइट खाएँ थ्रू एन इंफोटेनमेंट मॉडल। ईट राइट मेलाज जो हैं वो आउटरीच के लिए अवेलेबल हैं, सो दैट वी ईट सेफ फूड एंड हेल्दी डाइट्स थ्रू एन इंटरेक्टिव एंड इंफॉर्मेटिव मॉडल। देन कम्स स्किल्स बिल्डिंग प्लेटफॉर्म। तो देखिए इंडिया चौथी ऐसी कंट्री होगी जहाँ पर स्किल्स बिल्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है 4 नवंबर 2019 को। तो क्या है स्किल बिल्ड प्लेटफॉर्म? ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि IBM ने बनाया है, ताकि स्किल्स इंडिया इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कदम उठाया है उसके थ्रू होलिस्टिक लर्निंग हो सके। इसको लॉन्च किया है DGT ने, दैट इज डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग ने, किसके अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर। इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग 2 साल का एडवांस डिप्लोमा कराया जाएगा IT में, नेटवर्किंग एंड क्लाउड कंप्यूटिंग में, एंड इट हैज़ बीन को क्रिएटेड एंड डिजाइंड बाई IBM, जो कि ऑफर किया जाएगा ITIs पर, दैट इज़ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में, एंड NSTIs में, दैट इज़ नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में।
ये प्रोग्राम इम्पॉर्टेंट क्यों है? डिजिटल प्रोग्राम जो है वो पर्सनल असेसमेंट बताता है आपकी कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज़ का एंड पर्सनालिटी का, देन वो फाउंडेशन नॉलेज लर्न कर सकेंगे अबाउट द डिजिटल टेक्नोलॉजीज़, उन्हें रोल बेस्ड एजुकेशंस वो रिसीव कर सकेंगे, एंड दिस इनिशिएटिव इज़ पार्ट ऑफ IBM's ग्लोबल कमिटमेंट ताकि वो एक जॉब रेडी वर्क फोर्स बना सकें सो दैट नेक्स्ट जनरेशन ऑफ स्किल्स कैन बी क्रिएटेड फॉर द न्यू कॉलर करियर्स। एंड नेक्स्ट इज़ अरुणाचल टीचर्स ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग पॉलिसी। तो अरुणाचल ने अरुणाचल प्रदेश टीचर्स ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग पॉलिसी 2020 को अप्रूव कर दिया है जो कि रैशनलाइज करेगी ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग ऑफ टीचर्स सर्विंग अंडर द स्टेट गवर्नमेंट। तो इस न्यू पॉलिसी के अकॉर्डिंग सभी गवर्नमेंट स्कूल्स को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, दैट इज़ हार्ड, मिडल एंड सॉफ्ट। जितने भी न्यू रिक्रूट्स होंगे उनको सबसे पहले हार्ड पोस्टिंग दी जाएगी 3 साल तक, ठीक है, फिर उसके बाद प्रोबेशनरी पोस्टिंग होगी एंड फिर उसके बाद मिडल पोस्टिंग आएगी फॉर 5 ईयर्स। जितने भी जनरल ट्रांसफ़र्स होते हैं वो जनरली अप्रैल एंड मई के मंथ में होंगे थ्रू ऑनलाइन प्रोसेस। ये स्कीम इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि जो टीचर्स हैं उनका नीड बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन हो सके सो दैट स्टूडेंट्स का एकेडमिक इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो सके, जॉब सेटिस्फैक्शन टीचर्स को मिल सके इन अ वेरी फ्री एंड ट्रांसपेरेंट मैनर। सो 40 पेजेस हमने कर लिए हैं, इनर लाइन परमिट से हम कल करेंगे। थैंक यू सो मच, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल वीडियो को आप ज़रूर शेयर करें। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ 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 वीडियोज़ को शेयर करें। आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू। थैंक यू।